हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल। तो दोस्तों एक्सेल खोलने के लिए आपको क्या करना है, साइड में एक सर्च बार दिया गया है, उस पर जाकर आपको क्या करना है, एक्सेल टाइप करना है। वहाँ पे एक्सेल का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो को हमें एक पेज होगा जिसमें हमें तीन पेजेस दिए गए। आप जो चीज़ देख रहे हैं इतनी सारी, वो असल में एक सेल है। देखिए दोस्तों, ये जो एक बॉक्स है ये एक सेल है। पूरा जो एक्सेल है वो सेल के आधार पे है। तो दोस्तों हम इसमें कई सारे सेल होते हैं। अब दोस्तों इसमें सेल के अलावा भी दो चीज़ें होती है, जिसमें से एक होता है, जैसे कि अभी हम ए पे क्लिक करने जा रहे हैं। दोस्तों रुको, दोस्तों ये है सेल। हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी डिटेल भर सकते हैं। दोस्तों सेल के अलावा भी इसमें दो चीज़ें मैं बताया था। आप ए पे जाके क्लिक कीजिए तो ये जो एक रो बन के आ गई है आपके सामने, और आप 1 2 किसी भी काउंटडाउन नंबर पे क्लिक करेंगे तो कॉलम निकल के आ जाएगा, जहाँ पे अपना आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक सेल पे नाम लिखा है स्वयं, मैं तो उसका नाम है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों फिर मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर विपिन। फिर दोस्तों हम गए यहाँ पर, मैंने अपने तीसरे दोस्त का नाम यहाँ लिख दिया। दोस्तों मैंने तीन नाम यहाँ पे लिख चुके हैं। दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं कि आपको कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है उसमें आपको मिलता नहीं है कि मेरा नाम क्या है। काफ़ीतर केबल वाले जो होते हैं या फिर कोई ऑफिस या जॉब में, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल का। आपको बता दें कि यहाँ पे दो चीज़ें मिली होती हैं हमें, एक सर्च बार होता है और एक जो मतलब सेल को ढूंढता है। तो हम पहले सर्च बार में जाते हैं जिसका हमें नाम ढूंढना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्वयं ढूंढा, या फिर किसी का भी नाम, वो आपको मिल जाएगा। उस समय आप उसमें जो चीज़ टाइप करोगे वो उस जगह आ जाएगा और वो पुरानी चीज़ हट जाएगी। तो दोस्तों अब हम जाते हैं कि आप कोई चीज़ नाम कैसे ढूंढे। जैसे कि मैंने मेरा जो है दोस्त का नाम तकरीबन मैं सही से दिख नहीं रहा दोस्तों, सॉरी, बट यहाँ पे तकरीबन 4 by F लिखा हुआ है। आप इसमें टाइप करके, अभी मैं सही से दिख नहीं रहा दोस्तों, बट मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट हम आगे बढ़ते हैं। आप उसमें देख लीजिए कि वहाँ पे जाके आप कॉलम और रो का जो मतलब है, जैसे कि इसमें 1 by A है, आप लिख के उस पर जा सकते हैं। वैसे तो हमारे फर्स्ट पेज में एक और काम है कि आप जितने एरिया में काम करना चाहते हैं तो आप उसमें जो लेफ़्ट क्लिक करके आप उतने एरिया को मतलब ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी उसको बाद में लेके आप, जैसे कि मैंने बहुत सारी सीट बना दी है, तो आप सोच सकते हैं कि सीट कैसे डिलीट करें। सीट डिलीट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे जाना होगा और फिर क्लिक सबसे नीचे जाके डिलीट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट सीट पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों सीट बनाना आपने देख लिया है, अब डिलीट करना भी सीख लिया। इतने एरिया में हम काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करके जितना एरिया चाहिए उतना ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो सेकंड है कि हम इस पेज पे हमारा सारा काम हो गया, हम सेकंड पेज पे आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम सेकंड पेज पे आने वाले हैं। दोस्तों ये है सेकंड पेज, इसको हम टाइम इसके बिना बताते हैं। दोस्तों मैंने जैसे कि अपनी क्लास टाइटल, नाम और अपने दोस्तों का नाम और मार्क्स लिखे। दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ भी करके जितने एरिया में काम करना है उतने में हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए। हम इसमें सीट बनाना बता रहे हैं वैसे तो अभी, कि कैसे सीट बनाया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर भी सकते हैं, हम उसी पे एक नई वीडियो बना के आपको दिखाए जाएंगे। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल जो है, जहाँ तक कि केबल वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि केबल वाले इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें, जैसे कि इसमें देख रखे हैं कि हमें जो अलग चीज़ है, जैसे कि इसमें मैंने नीचे में दोस्तों का नाम है, ऊपर अलग है कि उनके नेम, क्लास, तो उसको आप कलर भी कर सकते हैं अलग कलर। जैसे कि मैंने इसमें क्लास में रेड कलर रखा है, मतलब कोई भी डिफरेंट कलर आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और हाँ दोस्तों एक और बात कि
जो एक्सेल होता है ज़्यादातर जॉब्स में इसको मान लेते हैं। तो एक्सेल जो होता है बहुत बेसिक होता है किसी भी जॉब के लिए। दोस्तों आपको पता है कि इसके अंदर कई फॉर्मूलेज भी होते हैं। इस फॉर्मूले को देखने के लिए ना आप हमें कमेंट करें और हम इसकी एक नई वीडियो बना के आपको दिए जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने भाई कैसा ही मतलब हमने मार्क्स लिख दिए इसमें। तो दोस्तों आप अब हम बताइए कि इसमें परसेंटेज या फिक्स कुछ चीज़ को सम कैसे करें। तो आपको क्या जाना है कि सबसे पहले सारे मार्क्स को पहले एक बॉक्स जहाँ पे आपको मार्क्स निकालने वहाँ पे इक्वल फिर सम लिखना है। और फिर आपको क्या करना है कि एक सिर्फ दबा के ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और फिर सारे जो मार्क्स हैं उसको लेकर क्लोज कर देना ब्रैकेट और एंटर दबा देना है। ऐसे हम सम में कर रहे हैं। अगर दोस्तों इससे आपको क्या होगा कि जो मैथमेटिक्स है मतलब उसमें कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। यह वैसे तो एक कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है जो हम अभी इसमें बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ये जो हो गया है पूरी तरह दोस्तों वीडियो अभी पूरी नहीं हुई है। इसमें अभी एक और वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि डेट और मंथ कैसे निकालें। तो दोस्तों देखते रहिए बस।
दोस्तों जैसे कि हमने इसमें जो ऊपर की टॉप के सबको सेम कलर कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैंने सारे मार्क्स निकाल चुके हैं, तो दोस्तों अब हमारी बात है कि हम कैसे परसेंटेज निकालें। दोस्तों अभी तो मैं इसमें निकाल ले रहा हूँ, कोई गड़बड़ हुई तो हम इसमें अच्छे से और अच्छे से सोच कर हम बताएंगे दोस्तों। तो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करना।